तो 5 से 7 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा आपको क्लोजअप सोचा कि दिखा देते हैं क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। 10 मिनट और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर खाया जाएगा लच्छा पराठा के साथ। और आज सामने का आप माहौल देख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा धूल इधर उड़ रहा है कि कुछ सामने का नज़ारा भी दिख नहीं रहा है, पूरा आप देख रहे होंगे एकदम ब्लर सा हो गया है। ऐसा ऐसा 2-3 लॉट होगा चिकन का और इसे यहीं पे वॉश किया, मतलब सारा काम यहीं पे होता है, ऐसा नहीं कि बना के लाए और यहाँ पे बस फिनिशिंग टच देके सर्व कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पर। क्या हसीन मौसम आज का हो चुका है और आज ही सही दिन था। ये माइक के ऊपर जो फ्री में कवर मिलता है उसे यूज़ करने का, लेकिन लाना भूल चुके हैं, तो हाथ से ऐसे कवर करके इस माइक से हम लोग बोल रहे हैं। हवा एक्सट्रीम लेवल का, ये जो बाल उड़ रहा है इससे आपको पता चल रहा होगा कि हवा कितना ज़्यादा चल रहा है। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं महावीर घाट में, एक वीडियो यहाँ का बना चुके हैं, वापस से आए हैं और एक कॉमेंट देखे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह कहाँ पर है, तो भद्र घाट है। भद्र घाट से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गाय घाट से आपको बढ़ना है पटना सिटी की ओर, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा मतलब 200 मीटर के आसपास, फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड दिखेगा भद्रघाट जाने के लिए। थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है किसी से पूछिए, बता देंगे भद्रघाट का रोड। भद्रघाट पे जैसे ही आप निकलिएगा बस उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए और ये व्यू मिलते जाएगा आपको, आप महावीर घाट पहुंच जाइएगा। मरीन ड्राइव वाला व्यू आएगा, मतलब इधर आप राइड कीजिए बाइक कार वगैरह इस रोड पर और एक तरफ इतना अच्छा सा ये रिवर साइड का व्यू आपको मिलेगा। तो मोटिव है आने का कि आज हम लोग आए हैं यहाँ पर चिकन बनवाने के लिए, चिकन खाने के लिए, हार्ट साइड नहीं बल्कि हट के उधर कार्ट वगैरह लगता है वहाँ पे बनाया जाएगा और सारा प्रोसेस जो है बनने का वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बनता है। इसलिए ये सारा तो कार्ट अभी लगा भी नहीं, इससे पहले हम पहुँच चुके हैं ताकि सब कुछ आपको दिखा सके। चलते हैं, प्रोसेस होने वाला है स्टार्ट। मुश्किल होगा वीडियो बनाने में क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा, और चिकन बनाने में बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन लोगों का भी गैस वगैरह जलाना मुश्किल है आज के दिन। लेकिन इसका भी एक अपना अलग मज़ा है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था, धूप पड़ रहा था और आज इतना खूबसूरत सा मौसम हुआ है तो खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलते हैं, प्रोसेस शुरू करवाते हैं, बनवाते हैं और जो सारा रेसिपी है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जिस कार्ट में आए हैं उसका नाम है भोजन, और देख सकते हैं आगे से ये जो गेट है लगाया गया है ताकि धूल लगकर नहीं आ सके, बहुत तेज हवा, बहुत ज़्यादा धूल चल रहा है। तो इधर जो है कढ़ाई चढ़ चुका है और आज जो हमारे शेफ़ है ये मोतिहारी साइड के हैं और यहाँ बनने वाला बिल्कुल देसी स्टाइल का चिकन। तो सबसे पहले क्या करना है? सरसों तेल देना है। सरसों तेल देना है। कितना चिकन लगभग बना रहे हैं? 8 किलो। 8 किलो कितना सरसों तेल डाले इसमें? 1 लीटर। 1 लीटर यही मतलब रेशियो रहेगा, यही है। तो ये गया 1 लीटर सरसों तेल। और इधर जो है, इधर ये देख सकते हैं बाहर वाला व्यू। हवा मारेगा नहीं, लगा दीजिए हवा मारेगा, लगा दीजिए इसको। यही दिक्कत आज होने वाला है बनाने में। इधर जो है ये फोड़न का तैयारी चल रहा है, क्या क्या डाले इसमें? इसमें खड़ा गरम मसाला है और एक खड़ा तेज पत्ता और सूखा लंका है। तेज पत्ता, लाल मिर्च, और इसमें क्या है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गोलकी, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी वाली जीरी है, जीरा है। इधर जो है आपका गोलकी हो गया, गोलकी हो गया, खड़ा जीरा हो गया, ठीक है। और ये प्याज कट के रखा हुआ है, प्याज लगभग कितना है? 8-7 किलो। 7 किलो मतलब 8 किलो मुर्गा में 7 किलो प्याज। यस। और जैसा कि हम लोग कल जब वीडियो बनाए हैं तो भैया बता रहे थे कि आपका जो चिकन है उसमें आप पानी नहीं डालते ऊपर से। नहीं, पानी नहीं। ये जो है लाल मिर्च गया, तेज पत्ता गया, खड़ा गरम मसाला गया और अब जो है वो जा रहा है जीरा। हवा के कारण जो है ना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम हो चुका है और अब नेक्स्ट इसमें प्याज जो है वो डलने वाला है। प्याज, प्याज आपके मोतिहारी साइड तो एक से एक फेमस खाने के पीने का जगह है। हाय हाय। अच्छा, तो पूरा प्याज को आप एक साथ नहीं डालते हैं? नहीं, पूरा एक साथ नहीं। इसका क्या कारण है? कारण इसलिए है कि लहसुन जो है ना पूरा ठीक से भुजा नहीं पाता है। अच्छा, इस तरह से लगभग 250 ग्राम प्याज डाले होंगे? हाँ, 250 ग्राम। और अब जो है नेक्स्ट ये लहसुन डालिएगा, आदि और लहसुन का पेस्ट जा रहा है इसमें। 8 किलो चिकन में लगभग 1/2 किलो के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट है जी।
इस तरीके से भी इसको अच्छे से चलाते रहना है। हाँ, थोड़ा लाल करना है उसको। उसके बाद जो बाकी का प्याज है वो डालिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो प्याज इसमें डाला जाएगा, और लगभग 7 किलो के आसपास प्याज है। ये देखिए, अब जो पूरा प्याज है वो इसमें डाल दिया गया, और बहुत हैवी क्वांटिटी में यहाँ प्याज भी यूज़ होता है, क्योंकि जो सारा ग्रेवी है वो प्याज के बेस पे ही रेडी किया जाता है। सारा इसमें नमक हो गया, नमक डाल दिए पहले ताकि प्याज गले अच्छे से। गले अच्छे से, अब इसे कवर करके छोड़ दिया जाएगा। कितना समय लगेगा प्याज को गलाने में? प्याज में कम से कम गलाने में सर लगेगा 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। जब तक हमारा जो प्याज है वो गलाया जा रहा है, इधर चिकन है आ चुका, ऐसा ऐसा 2-3 लॉट होगा चिकन का, और इसे यहीं पे वॉश किया। मतलब सारा काम यहीं पे होता है, ऐसा नहीं कि बना के लाएँ और यहाँ पे बस फिनिशिंग टच देके सर्व कर रहे हैं। इवन चिकन को वॉश करने वाला काम भी यहीं पे होता है। तो लगभग 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है, और जो प्रोग्रेस है वो आप देख सकते हैं, प्याज काफ़ी हद तक गला है और थोड़ा देर और हो जाएगा, चिकन धोएगा डाला जाएगा। अच्छा, मसाला नहीं डालिएगा अभी? हाँ, मसाला अभी नहीं, चिकन थोड़ा ग्राइप हो जाएगा तब। अच्छा, पहले चिकन डालते हैं फिर मसाला डालते हैं। तो फाइनली काम भर प्याज जो है वो गल चुका है, और अब इसके अंदर जाने वाला है ये चिकन। और चिकन का क्वांटिटी देखिए, ये सारा जो चिकन है वो जाएगा इस प्याज में। और यहाँ का जो सिस्टम है, प्याज चिकन को एक साथ डाल देते हैं, उसके बाद मसाला डाल के इसे अच्छे से भूंजते हैं। कहीं कहीं पे प्याज के साथ मसाला डाला जाता है फिर चिकन डाला जाता है, बट यहाँ का सिस्टम अलग है। 11 की टोटल आपका 11 किलो था? 11 किलो, 8 किलो बन रहा है, बाकी 3 किलो स्टॉक में। तो अब मसाला डालने का टाइम आ चुका है, और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा मसाला कितना कितना डलता है। मिर्चा पाउडर है हुआ आपका, अंदाज से देते हैं हम, अंदाज से सब काम होता है। ठीक है सर, यह है जीरा पिसा हुआ, इसके पहले गया था गोल मिर्च, अब गया जीरा, जीरा जीरा पाउडर। धनिया? धनिया नहीं देता है। अच्छा, इसमें धनिया नहीं डालता है? ये गया मीट मसाला का पैकेट, ये गया कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो इसके पहले गया था मीट मसाला, कश्मीरी मिर्च। हाँ, ये कश्मीरी मिर्च की पूरा पैकेट, एक हल्दी, गोलकी, मीट मसाला, कश्मीरी मिर्च और जीरा। यस सर, है ना? यस। इधर है गरम मसाला, ये भी अभी डल जाता है या लास्ट में? ये अभी है। और धनिया का कोई यूज़ होता नहीं है यहाँ पे, धनिया इनके रेसिपी में नहीं है। ये जो मसाला है, इस मसाला को डाला जाएगा इस चिकन में। तो ये मसाला का जो क्वांटिटी है, देख के लग रहा है कि थोड़ा मसालेदार होगा, क्या होगा कि नहीं? एकदम होगा सर, एकदम होगा सर, खा के आप चेक कीजिएगा ना सर। नहीं तो जो हम कल आए थे तो आपका रंग देख के ही हमको अंदाज़ा लग गया था। हाँ, तो आप खा के देखेंगे आज। मसाला के साथ चिकन को अच्छे से भूनना है? यस सर, कुछ नहीं डाला। तो 15-20 मिनट और गुजर चुका है, और एक बार ज़रा देखा जाए चिकन का रंगत। और ये देखिए क्या खूबसूरत सा ये चिकन लग रहा है, अब तेल जो है अलग होना शुरू हो गया है, और देख के लग रहा है कि 20-25 मिनट और लगेगा, है ना? तेल ऊपर में आने लगा है। हाँ सर, बस 20-25 मिनट और इंतज़ार करना है, उसके बाद लच्छा पराठा बनवाएंगे, और फिर हम लोग चिकन और लच्छा पराठा खाएंगे। तो आधा घंटा से 35 मिनट का समय हो चुका है, और अब जो प्रोग्रेस है वो आप देख सकते हैं, ग्रेवी जैसा बनना शुरू हो गया है। और ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ग्रेवी, ये बस चिकन का पानी और प्याज का पानी है ना भैया? यस यस, इसमें पानी नहीं देता डाला, पानी आप ऊपर से कुछ नहीं डालते हैं? नहीं नहीं, ये आप प्याज इतने क्वांटिटी में डालते हैं कि उसी से पानी बन जाए? उसी से पानी बन जाए। अभी और कितना समय लगेगा? अभी 5 से 7 मिनट और लगेगा। तो 5 से 7 मिनट और लगेगा। थोड़ा सा आपको क्लोजअप सोचे के दिखा देते हैं, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। 10 मिनट और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर खाया जाएगा लच्छा पराठा के साथ।
और आज सामने का आप माहौल देख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा धूल इधर उड़ रहा है कि कुछ सामने का नज़ारा भी दिख नहीं रहा है, पूरा आप देख रहे होंगे एकदम ब्लर सा हो गया है। और यहाँ पर हमारा बन रहा है चिकन, तो ये देख सकते हैं कि चिकन ऑलमोस्ट अब जो है रेडी हो चुका है। और हवा भी आज इतना ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ है आज इस चिकन को बनाने में भी, बट फाइनली चिकन रेडी हो गया है ना। हाँ सर, पूरा आप बंद करके बनाए हैं चिकन? हाँ पूरा बंद करके बनाए। और जब लोग भी हैं वह आना यहाँ शुरू हो चुका है, शाम के टाइम ही मिलता है, टाइमिंग क्या रहता है? यही 5:30 से शुरू हो जाता है, 4:30 से मिलना शुरू हो जाता है। आज हवा के कारण लेट हो गया है, बंद करके बनाना पड़ा है। बगल में जो है यहाँ बन रहा है लच्छा पराठा। लच्छा पराठा का क्या सिस्टम है, एक बार हल्का सा सेक लेते हैं और सेक के निकाल लेते हैं, और जब कस्टमर आते हैं तो फाइनल टच दे के फाइनली एक बार और सेकते हैं और फिर देते हैं। तो मतलब दो बार सेका जाता है लच्छा पराठा को। 10 रुपये का लच्छा पराठा है, साइज़ वगैरह आपके सामने है। बस अब निकलवाएंगे इस चिकन को और लच्छा पराठा के साथ खाएंगे हम लोग, गर्मा गर्म लच्छा पराठा, गर्मा गर्म चिकन, ठंडा ठंडा हवा और ढेर सारा धूल जो चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आधा सेक के पराठा को निकाल लिया जाता है और जब ऑर्डर आता है तो इस तरह से फाइनल टच दिया जाता है, एकदम अच्छे से पराठा को लाल करके और फिर सर्व किया जाता है। 50 रुपये में भैया एक पीस चिकन और एक पीस पराठा मिलता है? हाँ सर, हाँ सर। और लेग पीस के साथ लेना तो क्या रेट है? लेग पीस के साथ लेंगे तो 2 पराठा एक पीस हो रहेगा और एक लेग होगा, 90 रुपये का प्लेट होगा। तो अब जो है हमारा चिकन यहाँ निकल रहा है, लेग पीस के साथ वाला हम लोग लेंगे, तो एक लेते हैं लेग। और ग्रेवी भैया एकदम लटपट रहता है, ग्रेवी देख के ही लग रहा है कि ये पराठा के लिए, ये चावल वाला ग्रेवी नहीं है। नहीं, ये पराठा का ग्रेवी है। ये आपको और साथ में आएगा ये 2 पराठा। इधर आ चुका है हमारा प्लेट, 90 रुपीज का प्लेट। इधर देख सकते हैं 2 पीस चिकन का मिला है, 2 पराठा मिला है। पराठा बहुत सही लग रहा है, अजवाइन वगैरह ऊपर में डाला गया है। 10 रुपये का पराठा है, टेस्ट करते हैं लच्छा पराठा को चिकन के साथ। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रहा है कि नहीं, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। और अगर आपको लेग पीस नहीं लेना है तो 80 रुपये में मिलेगा, और अगर सिर्फ एक पराठा एक पीस चिकन लेना है तो 50 रुपये में मिलेगा। तो इस ग्रेवी में थोड़ा सा डुबोते हैं, थोड़ा सा ये लेते हैं प्याज, और अब इसे करते हैं टेस्ट। पराठा जो आप देख रहे हैं एकदम कुरकुरा सा पराठा है, और 10 रुपये के हिसाब से बहुत सही स्वाद। चिकन में तीखापन ज़्यादा नहीं है, मसाला डाला गया, बट देखते रहा रंग जो है वो रेडिश लग रहा है, बट बहुत कोई तीखा वीखा नहीं है। ऐसा नहीं कि मिर्च कम डाले थे, मिर्च तो डाले थे, बट प्याज चूँकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है तो जो प्याज का मीठापन है वो थोड़ा सा मिर्च के तीखेपन को काटता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तीखा नहीं लग रहा था ये चिकन। और ये मासेस के लिए बनाया गया, हर तरह के लोग खा सकते हैं। और भैया बता रहे थे कि पहले ये तीखा बनाते थे, बट लोग ही यहाँ बोलने लगे कि थोड़ा तीखा कम बनाइए, तीखा कम बनाइए, इसलिए थोड़ा सा अब कम तीखा बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और हर तरह के लोग को ये चिकन पसंद आने वाला है। 90 रुपीज़ के हिसाब से टोटली वैल्यू फॉर मनी, और लेग नहीं लेते तो बताएं आपको 80 रुपये। तो 80 रुपये में 2 पीस पराठा, 2 पीस चिकन, टोटली वैल्यू फॉर मनी। स्वाद बहुत बढ़िया, मसालेदार है बट बहुत तीखापन नहीं है, मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया गया है। सारा जो प्रोसेस है वो आपको बाकी दिखाए हैं। धूल आज के दिन बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो आराम से बैठ के आप खाते हैं। कॉमेंट करके बताइए कि आप लोग कभी यहाँ आके खाए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए हैं तो आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा ये वाला स्वाद। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच।